नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोज की फिल्मी दुनिया। मैं मनोज आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आशा पारेख से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के साथ आशा पारेख ने कई यादगार फिल्मों में काम किया था। वे जब धर्मेंद्र के साथ 1966 की फिल्म आए दिन बहार के में काम कर रही थीं, तब सेट का एक बड़ा अजीब माहौल था। दोनों को एक रोमांटिक सीन शूट करना था पर टेंशन फिल्म निर्माता ओम प्रकाश को ज्यादा हो रही थी। दरअसल फिल्म आए दिन बहार के में आशा पारेख और धर्मेंद्र पहली बार साथ नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में साथ में काम किया, जिनमें आया सावन झूम के, बंटवारा, मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्में शामिल हैं। एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र के साथ पहली फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया और बताया कि क्यों ऋतिक रोशन के नाना और फिल्म के प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश एक रोमांटिक शूट से पहले बहुत टेंशन में थे। आशा पारेख ने एक बातचीत में उन दिनों को याद किया जब वे धर्मेंद्र के साथ फिल्म आए दिन बहार के की शूटिंग कर रही थी। वे कहती हैं, जब मैं पहली बार धर्मेंद्र के साथ फिल्म में काम कर रही थी तब हम दोनों शूट खत्म होने के बाद अपने अपने रास्ते निकल लेते थे। एक दिन जब वे एक सीक्वेंस की शूटिंग के लिए दार्जिलिंग जा रहे थे तब प्रोड्यूसर ओम प्रकाश ने एक्ट्रेस को बताया कि वो काफी तनाव में हैं। आशा ने जब उनके तनाव की वजह के बारे में पूछा तो प्रोड्यूसर बोले, आप दोनों शूटिंग के बाद अलग अलग रास्ते चले जाते हो तो फिर साथ में रोमांटिक सीन कैसे शूट करोगे। उसके बाद आशा पारेख ने ओम प्रकाश को भरोसा दिलाया कि वे सीन को अच्छे से शूट कर लेंगे। हालांकि प्रोड्यूसर एक्ट्रेस से बार बार कहते रहे कि उन्हें धर्मेंद्र से बात करनी चाहिए ताकि उनका तनाव कम हो जाए। एक रिपोर्ट के अनुसार जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्यों मेल एक्टर्स उनसे डरे सहमे रहते थे तो आशा पारेख कहती हैं, शायद मेरी शक्ल ही ऐसी थी कि लोग मुझसे डरते थे, वे घबराते थे और मुझसे बात करने से कतराते थे। 87 साल के धर्मेंद्र ने 80 साल की आशा पारेख के साथ कई शानदार फिल्में की हैं। आशा पारेख ने पिछले किसी इंटरव्यू में बताया था कि उनकी माँ काफी सख्त थीं, जिसकी वजह से मेल एक्टर उनसे दूर रहते थे। मशहूर एक्टर जितेंद्र भी सेट पर उनके साथ बात करने से कतराते थे। तीसरी मंजिल की एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि जितेंद्र और वो अपनी पहली फिल्म के सेट पर बात नहीं करते थे। वे कहती हैं, मुझे वो दिन याद है जब मैं जितेंद्र के साथ काम कर रही थी। मैं अपना शॉट देकर बाहर चली जाती थी और फिर जितेंद्र आते थे और अपना शॉट देकर चले जाते थे। उनके जाने के बाद मैं अपना शॉट देने के लिए दोबारा लौटती थी। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन जब हमें एक साथ शॉट देना पड़ा था तो हमारे बीच बातें होने लगी, फिर धीरे धीरे चीजें सामान्य हो गईं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।